खास मुलाकात। इस प्रोग्राम में हम आपको किसी न किसी अलग शख्सियत से मिलाते हैं जिसने अपने शहर का, लुधियाना शहर का जो है नाम रोशन किया हो, कहीं ना कहीं उसने कोई ना कोई खिताब जीता हो। आज हम उसी एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जिसने लुधियाना शहर का जो है पंचकुला में अपना जो नाम रोशन किया, एक पंचकुला के जीरकपुर में एक फैशन शो करवाया गया था डेजलिंग दीवा 2018, जिसमें लुधियाना की रहने वाली शिप्रा ने कई राज्यों की महिलाओं को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान जो है वो हासिल किया। आज वो हमारे साथ हैं, आइए आपको मिलवाते हैं शिप्रा पसरेजा से कि जिन उन्होंने इस खिताब के लिए किस तरह मेहनत की थी। ऑब्वियसली जब आप किसी ब्यूटी पेजेंट्स में पार्ट लेने चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बट फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे इसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े क्योंकि मेरी इसमें डायरेक्ट एंट्री हुई थी एज अ फाइनलिस्ट। तो ठीक है, लास्ट मोमेंट्स पे आके एफर्ट्स करने पड़े, बट इसकी एंट्री के लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए कि मैं इसमें डायरेक्ट फाइनलिस्ट गई थी। सर, हमारा जो ये इवेंट था ये एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग हुआ था। इसमें 30, बिलो 30, उसके बाद अबव 40 एंड अप टू 70 ईयर्स तक की लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जो एक हमारे लिए बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उनके साथ हमने अपनी फीलिंग शेयर की, उन्होंने हमें काफ़ी मोटिवेट किया कि क्योंकि वो काफ़ी पेजेंट्स में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुकी थी, तो उन्होंने हमें काफ़ी मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए। तो फैमिली की सपोर्ट के बिना तो ऑब्वियसली हम कुछ भी नहीं कर सकते, किसी भी लाइन में आगे नहीं जा सकते। फैमिली की तो बिल्कुल 100% सपोर्ट मिली है, हस्बैंड की, डॉटर की, मदर की, सबकी सपोर्ट, फुल फैमिली ने मुझे फुल सपोर्ट किया है। मेरे सारे इन लॉज ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था कि यू शुड गो अहेड, जाओ, हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा आपको। तो फैमिली की फुल सपोर्ट से ही आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। कंपटीशन तो बहुत टफ था क्योंकि ऑलरेडी जो मेरे साथ कंटेस्टेंट्स थी उनको एक मेरे लिए फर्स्ट चांस था आफ्टर मैरिज। बिफोर मैरिज मैं मिस फरीदाबाद का एक उसमें क्राउन विन कर चुकी हूँ, बट आफ्टर मैरिज ये मेरे लिए फर्स्ट चांस था। तो जो लेडीज़ वहाँ पे, जो कंटेस्टेंट्स मेरे साथ आई हुई थी, उनका ये आई थिंक 3rd और 4th एक्सपीरियंस था, तो उनसे उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया, काफ़ी मोटिवेट किया। तो ये सबसे अच्छा पार्ट था कि जितनी भी कंटेस्टेंट्स थी उनका बहुत फ्रेंडली बिहेवियर था सबके साथ, एक दूसरे के साथ। एक्सपीरियंस तो सर हमें एक्चुअली जब हमारी ग्रूमिंग क्लासेस स्टार्ट हुई तो हमें पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने एक स्टार्टिंग में ही एक बता दिया गया था कि आपकी हर चीज़ के पॉइंट्स वहाँ पे काउंट होंगे। इवन हमारा डिसिप्लिन, हमारा बिहेवियर, हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारा ड्रेसअप, हर चीज़ के पॉइंट्स काउंट हुए थे। तो इस चीज़ के लिए एक कंपटीशन तो टफ होता ही है क्योंकि ऑलरेडी आज सब कॉन्शियस है अपनी हेल्थ को लेके और इवन मार्क्स को लेके, चाहे आप स्टूडेंट्स को देख लीजिए। तो लेडीज़ में भी एक मतलब था कि हमें अगर हमारे मार्क्स काउंट होने हैं तो हमें हर लेवल को क्रॉस करना है अप टू 100। एक हमारा टैलेंट राउंड था 40 मार्क्स का, तो उसमें भी इतनी बड़ी एज ग्रुप की लेडीज थी, उन्होंने भी मतलब माइंड ब्लोइंग उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी वो हम देख के शॉक्ड रह गए। तो कंपटीशन तो बहुत टफ था। मेरी फ्रेंड्स ने मुझे जाने से पहले भी बहुत बूस्टअप किया और आने के बाद भी उन्होंने मुझे सरप्राइज एक बहुत वार्म वेलकम दिया है घर आके उन्होंने। तो एक मतलब आई कैन से कि दैट आई एम सो लकी, आई एम हैविंग सच अ गुड फ्रेंड्स इन माय लाइफ। उन्होंने मेरा बहुत वेलकम किया, बहुत बूस्टअप किया उन्होंने मुझे। टाइम तो हर चीज़ के लिए मैनेज करना पड़ता है, इवन यू आर हाउस वाइफ, इवन यू आर इन टीचिंग लाइन, यू आर इन ऑफिशियल लाइन, हर चीज़ के लिए आपको टाइम तो मैनेज करना ही पड़ता है। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो भी आप ऐसा नहीं, मतलब एक लोगों की थिंकिंग होती है कि हाउस वाइफ हैं तो टाइम ही टाइम होगा, आप कुछ भी कर सकते हैं बाहर जाके, बट ऐसा नहीं होता। बिकॉज एक हाउस वाइफ की ड्यूटी सबसे ज़्यादा टफ होती है लाइफ में, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो इवन अगर आप ऑफिशियल लाइन में हैं, किसी भी लाइन में हैं, वर्किंग लेडी हैं अगर आप, तो आपको टाइम तो मैनेज करना ही पड़ता है। हर चीज़ के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। तो लुधियाना से अभिषेक के साथ धीरज कुमार, टाइम्स पंजाब टीवी।